हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे देवानी इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डे पे ये शेयर हाई गया था 196.75, लो गया था 188.10 एंड आज के डे पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 1.50% का एंड क्लोज हुआ है 193.15 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹23,269.48 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹23,615.37 करोड़ एंड पीई रेशियो है 89.2। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹374.36 करोड़ का, तो इसका जो डेप इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.07। अगर किसी भी कंपनी का डेप इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे एक से कम ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹2, रिटर्न ऑन इक्विटी है 42.8% एंड आरओसी है 16%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 51.65%। ये जो कंपनी है देवानी इंटरनेशनल, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 62.80%, पब्लिक का होल्डिंग है 24.07%, एफआईआई का होल्डिंग है 6.87% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 6.26%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 62.80% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 80% एनालिस्ट इन्वेस्टर को ये शेयर आपका बाई सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने लास्ट एक साल में रिटर्न दिया है 61.83% का। और एक चीज देखिए, ये जो कंपनी है देवानी इंटरनेशनल, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट पे ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है 7 सितंबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी देखिए 60 का जो लेवल है लगभग उसके नजदीक ही है। अगर एमएसीडी की बात करेंगे तो देखिए एमएसीडी अभी भी आपका 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी लगातार यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, मतलब एमएसीडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए एमएसीडी आपका 0 पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, यहाँ पे दो हफ्ते गिरने के बाद, यहाँ पे देखिए लगातार दो हफ्ते गिरने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक आपका ऐसा पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। मान लीजिए कोई भी शेयर गिर रहा है, उसके बाद अगर ऐसा कैंडल फॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या, जो ट्रेंड में शेयर चल रहा था उसका रिवर्सल होने वाला है। मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आपका चल रहा था डाउन ट्रेंड, ये शेयर गिर रहा था, उसके बाद ऐसा आपका कैंडल अगर फॉर्म होता है तो इसका मतलब अभी आपका ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ओके, अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और एमएसीडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, और एक चीज देखिए, 3 अगस्त 2022 को मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर का आपका टारगेट दिया था 225। ओके, और 5 सितंबर 2022 को शेयर खान ने इस शेयर का आपका टारगेट दिया है 231। तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹192,
अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपका 215 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।